समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में तमाम तारीफें बटोरी। देश के रक्षा मंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रहे, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहे जो उनकी सियासी दामन पर दाग बन गए। ऐसा ही एक वाक्य है यूपी का गेस्ट हाउस कांड। जी हां, तारीख 2 जून 1995 और जगह लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस। बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने 2 जून की दोपहर को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई। बैठक खत्म होने के बाद मायावती पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपने सूट में चली गईं। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही थे। शाम तकरीबन 4 बजे के करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि भीड़ में समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक शामिल थे। भीड़ में शामिल लोग बीएसपी विधायकों और उनके परिवार को मारने की धमकी देने के साथ साथ आपत्तिजनक जातिवादी नारे भी लगा रहे थे। उसके बाद वहां कोहराम मच गया, जिसकी मिसाल भारतीय राजनीति में कभी कभी ही देखने को मिली है। यूपी की सियासत की इस बदनाम कहानी को सिलसिलेवार समझने के लिए हमें घटना से 2 साल पीछे लौटना होगा। जी हां, साल 1993 एसपी और बीएसपी ने मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में साझा सरकार बनाई। कुछ ही महीनों तक एसपी बीएसपी का गठबंधन अच्छी तरह चला, मगर धीरे धीरे वो मुद्दे उभरने लगे जिनको लेकर एसपी और बीएसपी की राहें अलग अलग थी। ऐसा ही एक मुद्दा महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। अजय बोस अपनी किताब बहनजी में लिखते हैं कि मायावती ने मार्च 1994 के पहले हफ्ते में मीडिया से बात करते हुए महात्मा गांधी को लेकर कहा था कि उनके कामों ने हमारी प्रगति को धीमा कर दिया है। मायावती ने तब महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हरिजन कहने को लेकर कहा था कि अगर दलित भगवान की संतान है तो बाकी लोग क्या शैतान की संतान है। अगर गांधी जी को यह शब्द इतना ही पसंद था तो उन्होंने खुद को हरिजन क्यों नहीं कहा। मायावती के इस बयान पर बवाल हो गया। हालांकि तब मुलायम सिंह यादव ने मायावती की कोई सार्वजनिक आलोचना नहीं की, लेकिन इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो भी गांधी जी के बड़े प्रशंसक हैं। लेकिन 1994 का आधा साल गुजरने तक दोनों दलों के संबंध काफी बिगड़ गए। दलितों पर हिंसक अत्याचार के मामले को लेकर मायावती मुलायम सरकार घिर गई। काशीराम के साथ कभी कभार होने वाली बैठकों ने इस समस्या के हल की बजाय इसे और बढ़ाया। दरअसल होने ये लगा था कि काशीराम खुद मुख्यमंत्री से मिलने के बजाय उन्हें गेस्ट हाउस बुलाने लगे, रिसेप्शन लॉबी में उन्हें इंतजार तक कराने लगे, फिर मिलते भी तो अस्त व्यस्त हालत में बनियान और लुंगी पहने हुए। ये तस्वीरें जब पब्लिक में आई तो मुलायम सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की वजह बनी। इन सब घटनाओं के बीच मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार पर संकट को भांप रहे थे। उन्होंने इसके लिए सियासी प्लान बनाया। 1995 के मध्य वह बीएसपी के एक दर्जन विधायकों के संपर्क में थे। ऐसा माना जा रहा था कि बीएसपी के शीर्ष नेता बस मुलायम के इशारे के इंतजार में थे। मुलायम का अपना आकलन था कि महात्मा गांधी की निंदा के बाद बीएसपी को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें काशीराम और बीजेपी के सबसे मजबूत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की केमिस्ट्री का अंदाजा ही नहीं था। उस वक्त भाजपा नेतृत्व बीएसपी के साथ गठबंधन कर काशीराम को नया सीएम बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी कमजोर शारीरिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं थी। मई के अंत तक काशीराम के पास खबर पहुंची कि मुलायम सिंह बीएसपी को तोड़ने वाले हैं। काशीराम ने मायावती को अपने पास अस्पताल बुलाया और अपनी योजना के बारे में बताया। मायावती ने बिना देर किए यूपी के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा के सामने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और 1 जून को जब यह बात मुलायम सिंह के पास पहुंची तो वह गुस्से में भर गए। इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में आपको शुरुआत में बताया गया। अजय बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मारपीट, धमकी, नारेबाजी और तोड़ फोड़ के डरावने माहौल के बीच बीएसपी के कम से कम 5 विधायकों को गेस्ट हाउस से जबरन कारों में डालकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। वहां उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व वाली बीएसपी के बागी गुट में शामिल होने और मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने के लिए कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर कराए गए और ये विधायक देर रात तक वहीं पर कैद रहे। उधर स्टेट गेस्ट हाउस में 2 पुलिस अधिकारियों ने बहादुरी दिखाते हुए, जिसमें कि एक एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल ने बहादुरी दिखाते हुए मायावती को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि इस बीच गुस्साई भीड़ ने मायावती को सूट के बाहर खींचने की धमकी देते हुए नारेबाजी की और गालियां देना तक जारी रखा। लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर के आगमन के बाद वहां व्यवस्था थोड़ी बहाल हुई। देर शाम तक गेस्ट हाउस के अंदर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, क्योंकि राज्यपाल कार्यालय, केंद्र सरकार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दखल के बाद बड़ी संख्या में
सुरक्षा बलों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाल लिया और इस घटना की कड़वी यादों के बाद मायावती ने तब इतिहास बनाया जब वह 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। उनकी सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। वहीं गेस्ट हाउस कांड को लेकर कोर्ट में केस भी चला। लखनऊ की जिला अदालत ने गेस्ट हाउस कांड को लेकर 29 मई 1997 को जब लखनऊ की जिला अदालत ने इस मामले मुलायम सिंह यादव समेत कई सपा नेताओं को बरी कर दिया, जिसके बाद उस समय मायावती की सरकार को समर्थन देने वाली भाजपा के नेता राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस मामले की कोर्ट में ठीक से पैर भी नहीं की गई थी। न्यायाधीश जिसके समक्ष यह सब सारी घटना का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया जाता पूर्ण साक्ष्य के साथ, तो निश्चित रूप से वह मुलायम सिंह यादव अथवा जो लोग भी उनकी पार्टी के इंडल्ज थे उसमें उनको पनिशमेंट देता। वहीं जब मुलायम सिंह से गेस्ट हाउस कांड को लेकर पूछा गया तो उन्होंने 1997 में फैसला आने के बाद कहा कि ना कोई सबूत, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई चोट, सिर्फ नारेबाजी के आरोपों के कारण हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं जुडिशरी ने कि किस तरह से झूठे लोग हैं, कोई सबूत नहीं, कोई रपट नहीं, ओथ लेने के बाद रपट लिखी जाती है, किसी की चोट नहीं, कपड़ा नहीं, खून नहीं, टूट फूट नहीं, सिर्फ नारेबाजी पर लगाने पर हमारी सरकार को बर्खास्त किया गया। बहरहाल 2 जून 1995 की स्टेट गेस्ट हाउस कांड की ये घटना सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहेगी, जिसकी चर्चा हमेशा सियासत को देखने और समझने वालों के बीच होती रहेगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, यूपी तक आप तक लगातार मुलायम सिंह यादव से जुड़े ऐसे ही किस्से लाता रहेगा। शुक्रिया।